नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत पांडे और अभी अभी एक YouTube पे वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों, खेसारी लाल यादव जी का कॉल रिकॉर्डिंग। कोई बंदा खेसारी लाल यादव जी को कॉल करके कह रहा है कि आप दिनेश लाल भैया को क्यों गाली दिलवा रहे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कितना बड़ा तू फैन है यार, आएँ बता तो सही। खेसारी लाल जी के पास इतना टाइम है ही नहीं कि तुम्हारे दिनेश लाल यादव जी को गाली दिलवाएंगे। क्यों गाली दिलवाएंगे यार, क्या उनसे दुश्मनी है उनको, ये बताओ ना तुम जो कॉल करके परेशान करते रहते हो। अभी एक दो दिन पहले क्या बोलते हैं इसको, विनोद बिहारी जी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें विनोद बिहारी जी ने कहा कि आप सबसे पहले गीत चोर ही करते हैं, गीत चोर से बचिए। उसका एक मामला ख़त्म भी नहीं हुआ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ मामला, उससे पहले एक और एक मामला आके खड़ा हो गया। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, ये जो हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, इससे कोई फ़ायदा है नहीं। आप सोच रहे कि इससे कॉल करके अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालने के हमारे व्यूवर बढ़ जाएंगे, किसे कोई करने से फ़ायदा है ही नहीं। और मैं बता दूँ कि खेसारी लाल जी के पास इतना टाइम है ही नहीं कि पवन सिंह को कॉल करके गाली दिलवाएँ, या तो दिनेश लाल यादव ने रहुआ जी को, या तो जितने भी हमारे सुपरस्टार, क्यों गाली दिलवाएंगे उनसे। सब तो एक मिलजुल के रहते हैं, हमने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक जाना है। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो आप लोग कर रहे हैं बहुत गलत काम कर रहे हैं, ठीक ना। जब कॉल रिकॉर्डिंग में मैं सुना, जब खेसारी लाल यादव जी ने बताया कि आपका दिनेश भाई से बात कराओ, तो बात भी कराने में फट गई। तो उस बंदे का जवाब आ रहा कि हमारे भैया बिजी हैं। आपका भैया बिजी है और हमारा खेसारी लाल यादव जी आपके लिए एकदम पूरा बेगारे बैठाना है ना। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, इससे आप लोग बचें। ये जो कॉल कर रहे हैं, जो सब बोल रहे हैं कि 1700-1800 ईमेल आईडी बना के रखे हमारे खेसारी लाल यादव जी ने, इस तरह कोई भी बात है नहीं दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने खेसारी लाल यादव जी का के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया, जैसे खेसारी म्यूज़िक वर्ल्ड, खेसारी इंटरटेनमेंट, बहुत सारा बनाया दोस्तों। तो उसमें क्या खेसारी लाल यादव जी को आप बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ही बनाए ये चीज़, यह कहना गलत है दोस्तों आपको, ठीक ना। मैं चाहूँगा ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, या तो कोई किसी यो या तो खेसारी लाल यादव के पीछे कोई आदमी लगा है, या तो कोई ये जानबूझ के कर रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया में भी हम जहाँ तक जानते हैं कि सबसे अधिक खेसारी लाल यादव जी हैं, और हम तो उनके सबसे बड़े फैन हैं, और हम क्या पूरे वर्ल्ड उनके फ़ैन हैं, यूपी बिहार चाहे जो भी। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, ये जो आप लोग कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, उसको आप लोग सुधारिए। आप ही लोग के वजह से आज ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज जो है ना गंदी हो गई है, ठीक ना। आप इसमें कहें आप कुछ दिन पहले फिर गाना निकल जाएगा, जो सो आदमी कुछ दिन पहले खेसारी पर गाना भी निकला, संदीप तिवारी जी, मतलब आदमी क्या दूसरे के नाम से हिट भी होना चाहते हैं और उनको गाली भी देना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, ये सब हरकतें थोड़ा कम कर दीजिए, और जो बेगारी है ना, जो बेगारी है उसको थोड़ा काम में लगाइए, क्योंकि ये फिर समय आपको मिल के लौटेगा नहीं, ठीक है। ये समय चल जाएगी तो फिर आएगी नहीं, समझे दोस्तों। तो मैं आपको कह दे रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं आप हरकतें, ये बुरी, बहुत बुरी हरकतें हैं। जब खेसारी लाल यादव जी ने आपको बोला कि थोड़ा दिनेश भैया से बात करिए, तो क्यों नहीं कराएं आप, हैं? क्या बोल रहे हैं, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड में आपका नंबर दिया है, आप भी उसमें ग्रुप एडमिन हैं। ग्रुप एडमिन तो कोई भी बन सकता है, हैं? आपको हम ग्रुप एडमिन बना देंगे, बोलिए। इसीलिए थोड़ा हरकतें कम कीजिए, समझे सर, औकात में रहा कीजिए, आपको ये बता दे रहे हैं। धन्यवाद।